हे कोडर्स, नाउ वी लर्न इन दिस वीडियो अबाउट कि कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम इस वीडियो के अंदर कब करेंगे और ये भी बताएंगे कि इसका यूज क्यों, कैसे और कब होता है। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्या और कैसे काम करते हैं। जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक खास प्रकार का फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट को बनाने और इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है जो कि ऑब्जेक्ट को बनाने, क्रिएट करने और उन्हें इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना और क्रिएट करना कैसे, मैं आपको को अभी बताऊंगा, इसलिए ज़्यादा से भी टेंशन नहीं करना बिकॉज योर तरुण राइज हियर। सो ये एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट के जैसा काम करता है जिसे इस्तेमाल करके हम एक जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिनमें डिफरेंट तरह के प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं। मतलब ये एक ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट के जैसा काम क्या, मतलब ये एक पैटर्न के जैसा काम करता है कि एक हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना दिया, उसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ डाल दी, मतलब वो एक उसका एक पैटर्न हो गया। अब कोई भी डेटा को अगर उसके अंदर मुझे इनपुट करना होगा, किसी भी चीज़ को अगर डालना होगा, तो वो जो मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगा और उसी पैटर्न को फॉलो कर लेगा जो पैटर्न मैंने दिया हुआ। लाइक मान लो कि मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मैंने सिक्वेंसी वाइज काउंटिंग उसके अंदर लिखा है, तो जो अगला मैं कुछ चीज़ प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो उसके अंदर भी वो सिक्वेंसिंग वाइज जैसे मैंने पैटर्न क्रिएट किया है उसी पैटर्न में क्या होगा, वो चीज़ें प्रिंट होंगी। उस तरीके से क्या करेगा, वो उस तरीके से काम करेगा। सो आई होप कि आपको ये एक छोटा सा डेफिनेशन समझ में आया होगा। और मैं अब यहाँ पे आपको एक कोड के थ्रू में कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मानो कि हम एक पर्सन की डिटेल को होल्ड कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर। मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट फंक्शन, क्या होगा, फंक्शन बनाया मैंने एक पर्सन नाम का, ठीक है, फंक्शन पर्सन बनाया और इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर पास किए, नेम एंड एज, नेम एंड एज। ये इसको मैंने दिस डॉट नेम इज इक्वल टू क्या क्या कर दिया, नेम दिस डॉट एज इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, एज इज इक्वल टू क्या कर दिया, एज, सॉरी, दिस डॉट एज इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, एज। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इनके इंस्टेंसेस बनाऊंगा। किसके इंस्टेंसेस, इस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंसेस बनेंगे यहाँ पे। लाइक वेर पोर्शन वन इज इक्वल टू, मैं भी कोड को समझाऊंगा कि ये काम कैसे करे। एक बार मैं इसको लिख लूँ, इसका आउटपुट आपको दिखा दूँ कि इस तरीके से कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है, इस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है और ये इस तरीके से काम करता है। फिर मैं आपको बताऊंगा, इस कोड को एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल ब्रेक कर दूंगा सारे कोड्स को कि इसका मतलब हम यहाँ पे दिस क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ मैंने दो को पैरामीटर कैसे पास किए, मतलब जितनी सारी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे हम मैं उसका सबका जवाब दूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी मैंने आए हैं, तो सो प्लीज़ इस चीज़ की आप टेंशन नहीं करना। आई विल हेयर फॉर यू, आई विल सॉल्व यू योर एवरी प्रॉब्लम्स, बिकॉज मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं यहाँ पे यही चीज़ करने के लिए बैठा हूँ, मैं यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए बैठा हूँ। और सो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कंस्ट्रक्टर फंक्शन से और रिलेटेड, सो आप मुझे एक बार कॉमेंट करना या फिर मेरे कोड विद तरुण नाम का एक इंस्टाग्राम चैनल से, वहाँ पे आके आप मेरे को डायरेक्ट DM कर सकते हो, मैं आपको एक बार 1-to-1 क्लास एक बार सेक्शन ले लूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं कि कोई भी चार्जेस नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक वेर पर्सन नाम का एक इंस्टेंस बनाया, पर्सन के अंदर क्या डाल दिया मैंने, एक नाम डाल दिया एलाइस, सपोज जॉन डाल दिया, उसकी उम्र कितनी होगी 25। फिर क्योंकि मेरे पास एक एज को भी कराना है, तो पर्सन टू के अंदर क्या करूँगा मैं, न्यू पर्सन के अंदर क्या कर दूंगा यहाँ पे मैं एलाइस, मैं कर दूंगा 30। ओके, तो अभी तक हम क्या पहुंच गए, अभी तक यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। एक्सेस कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग
person one dot name. हमने इस सिंटैक्स के थ्रू क्या किया, हमने इस सिंटैक्स के थ्रू ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया है. अभी मैं बताऊंगा कि कैसे काम क्या कर रहा है. पर्सन वन पर्सन टू यहाँ पे एज. ओके हमें आउटपुट मिलना चाहिए जॉन एंड 30. क्या मिला, जॉन एंड 30. तो ये होता है बेसिकली कंस्ट्रक्टर फंक्शन. अब मैं यहां पे समझाता हूं कि ये एक्चुअल में ये काम कैसे कर रहा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा ये होगा कि सर इसमें दिस का यूज क्यों किया गया और वो क्या होता है. ओके तो मैं इस चीज को थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूं, इसके आसपास रखने की कोशिश करता हूं ताकि मेरे को दोनों चीज दिखे. तो दिस का यूज इसलिए, जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड करेंट कॉन्टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होता है. ओके तो हम यहां पे दिस का इस्तेमाल इसलिए करेंगे करेंट कॉन्टेक्स्ट या कीवर्ड को रेफर करने के लिए. हम यहां पे इस नेम को रेफर करने के लिए पहले बात मानो कि दिस का यूज कर रहे हैं, यहां पे एज को रेफर करने के लिए दिस का यूज कर रहे हैं. ओके दिस का यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है जहां आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड डिफाइन करते हैं. तो ये भी एक जावास्क्रिप्ट भी एक ऑब्स कंसेप्ट लैंग्वेज है, ऑब्स बेस्ड लैंग्वेज है. और यहां कर रहे हैं जहां आप एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड को डिफाइन करते हैं. तो मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज और मेथड को मैं डिफाइन कर रहा हूं. मैं बताऊंगा कैसे वो चीज हो रही है. डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन में दिस का इस्तेमाल तब होता है जब आप नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. मतलब इसके अंदर हम दिस का इस्तेमाल तब करते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर किसी को भी एक नया फंक्शन को क्रिएट करना होता है, नए ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है. तो यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम नए ऑब्जेक्ट ही तो क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ वैल्यू पास करवा रहे हैं. तो ये क्या हो गया, नया ऑब्जेक्ट ही तो क्रिएट हो रहा है. ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन में दिस का इस्तेमाल तब होता है जब नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जब आप न्यू कीवर्ड के साथ एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक नया ऑब्जेक्ट बनता है. ओके तो मतलब मैंने न्यू कीवर्ड के साथ एक ऑब्जेक्ट को क्या किया, कॉल किया. तो क्या हो गया, एक जब आप न्यू कीवर्ड के साथ एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करते हैं तो मैंने न्यू कीवर्ड के साथ ही तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल किया है तो एक नया ऑब्जेक्ट बनता है. तो यहां पे क्या, नया ऑब्जेक्ट एक बनता है और दिस उस नए ऑब्जेक्ट को रेफर करता है. जैसे कि मैंने मान लो कि मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को यहां पे विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड के साथ कॉल किया. ठीक है, तो क्या हुआ, मेरा एक नया ऑब्जेक्ट बना. ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, जॉन एंड 30. तो इसको कहीं तो मतलब जाना चाहिए, कहीं तो स्टोर हो, कहीं किसी की तो वैल्यू पता चले. तो ये किसका वैल्यू है, नेम और एज प्रॉप्स की ये वैल्यू है. नेम प्रॉपर्टी एज प्रॉपर्टी की क्या है, ये वैल्यू है. तो इस चीज को रेफर कौन करेगा, इसको दिस डॉट सिंटैक्स ही रेफर करेगा. इसलिए हम क्या करते हैं, दिस का यूज करते हैं. और इसका उपयोग तब होता है जब आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करते हैं. आप दिस का इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी को करंट ऑब्जेक्ट के अंदर है. हाँ मतलब हम दिस का इस्तेमाल तब भी करते हैं, आप दिस का इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज इस करंट ऑब्जेक्ट के अंदर है. ठीक है, मैंने क्या किया, दिस का इस्तेमाल किया, फिर मैंने बोला कि ये जो नेम है वो इसी पर्सन कंस्ट्रक्टर फंक्शन या इसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ. ठीक है, अब इसके अंदर देखा होगा कि यहाँ पे कुछ मैंने लिखा था कि आप जब एक फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक ब्लूप्रिंट या कुछ मैंने एक इंस्टेंसेस वगैरह के बारे में भी बताया था. इंस्टेंसेस शायद जब जिसमें संबंध की प्रॉपर्टी और मेथड होते हैं, जब आप ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसका दूसरे कौन फीचर्स करते हैं. ओके तो मैं बता दूँ कि आपको इंस्टेंसेस क्या होते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का आंसर लिखे हुए हैं, इंस्टेंसेस क्या होते हैं. उदाहरण के लिए अगर आप एक पर्सन क्लास या कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं कि लोगों की डिटेल स्टोर करते हैं. ठीक है, तो सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक अब ये क्वेश्चन था कि इसमें इंस्टेंसेस कौन है, फिर इसमें इंस्टेंसेस कौन सी चीजें कहलाएंगी. तो इसके अंदर इंस्टेंसेस हम किसको बोलेंगे, इनको बोलते हैं पर्सन वन एंड पर्सन टू को. ये इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि क्योंकि ऐसा समझे, अगर आपके
आप एक पर्सन क्लास या कंस्ट्रक्टर फंक्शन का इस्तेमाल करके कई लोगों का डिटेल स्टोर करते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करके मैंने एक बंदे का डिटेल क्या किया, होल्ड किया, डिटेल स्टोर करते मतलब स्टोर कर लिया। तो हर एक इंडिविजुअल पर्सन एक इंस्टेंसेस होगा, तो इसके अंदर जितने भी पर्सन होंगे, लाइक जॉन क्या होगा एक अलग इंस्टेंसेस होगा, अलाइस क्या होगा एक अलग इंस्टेंसेस होगा, ठीक है। हर एक इंस्टेंसेस में अलग 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 नाम, अलग उम्र और अलग डिटेल्स होंगी। तो सारे इंस्टेंसेस में क्या होगा, अलग नाम अलग उम्र अलग डिटेल्स, मतलब जॉन की एज 25 है, ये रहता है जयपुर में, और इसकी कंटेंट कॉन्टेक्ट नंबर अलग, ईमेल आईडी, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन अलग, मतलब ये एक इंस्टेंसेस हो गया। उसके साथ साथ क्या होगा, लेकिन वो सभी एक कॉमन ब्लूप्रिंट या एक क्लास के अनुसार रेडी किए जाएंगे, तैयार किए होंगे। मतलब क्या, मतलब मान लो कि एक इंस्टेंस मैंने बनाया पर्सन के अंदर डिटेल करने का, दिस नेम हो जाएगा, एज हो जाएगा, फोन नंबर हो जाएगा, ईमेल आईडी हो जाएगा, तो ये सारी चीजें एक ही पैटर्न को फॉलो करेगा। अगर मान लो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जॉन की डेटा, तो जॉन की नेम, एज, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें, लाइक एलाइस की ऑब्जेक्ट बनाना है, इंस्टेंसेस कैसे होगा, तो एलाइस का नेम, उसका एज, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये सारा का सारा जितने भी ये होंगे, ये एक ही ब्लूप्रिंट को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। यहाँ पर्सन वन और पर्सन टू दोनों इंस्टेंसेज हैं जो पर्सन कंस्ट्रक्टर फंक्शन के द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन पर्सन वन एंड पर्सन टू क्या है, ये इंस्टेंसेज हैं। ये किसके थ्रू बनाए गए हैं, पर्सन के थ्रू बनाए गए। और ये इंस्टेंसेस क्यों है, क्योंकि इनके अंदर एक एक बंदे की डिटेल होल्ड है, पर्सन टू के अंदर एक अलग बंदे की डिटेल होल्ड है। तो हम इन दोनों को क्या बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, इंस्टेंसेस बोलते हैं, ठीक है। हर एक इंस्टेंस यूनिक डेटा के साथ इनिशियलाइज होता है, लेकिन उनमें नेम और एज जैसे प्रॉपर्टीज कॉमन होते हैं। अब भाई अलग नेम के साथ इनिशियलाइज अलग डेटा के साथ क्यों नहीं होगा इनिशियलाइज। लाइक ऐसे मानो कि पर्सन वन है, तो वो किसके साथ हो रहा है, जॉन 25। पर्सन टू है, तो किसके साथ हो रहा है, अलाइज। तो ये सारी चीजें होती हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। आई होप कि आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन समझ में आओगे।